वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नयाब और आप देख रहे हैं बीस फिटनेस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कटिंग साइकिल डिज़ाइन करके आप बना दो या पोस्ट कर दो, तो मैंने सोचा ये वीडियो ही बना दूँ तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। फ्रेंड्स, जो ये कटिंग साइकिल मैंने बनाया है, ये एक आप ये समझना कि अचानक से इसे मत कर देना कि आपका बॉडी अचानक से चेंज हो जाएगा। ये दो या ढाई या तीन महीने का बल्किंग करने के बाद, जब आप अच्छा खासा मसल ग्रो कर लेते हो, उसके बाद ये साइकिल शुरू किया जाता है। तो अचानक से आप ये साइकिल मत शुरू करना, पहले बल्किंग करना प्रॉपर, उसके बाद आप कटिंग ये साइकिल शुरू करना। दिस इज़ द वे टू डू एनी साइकिल। पहले आप बल्किंग करते हो फिर कटिंग करते हो, ये प्रोसेस है। आप अचानक से अगर कटिंग कर दोगे तो आपका मसल मास नहीं रहेगा, आप बहुत पतले लगोगे। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने क्लीन बल्किंग किया है, आपने जंक वगैरह नहीं खाया है, डर्टी बल्किंग नहीं किया है, आपने तीन महीने का बल्किंग किया है, उसके बाद क्लीन बल्किंग किया है, आपका मसल मास अच्छा ग्रो कर गया है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। और बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 हो सकता है, तो आप 25 दिन का इंटरवल लेकर चलो, टाइम लेकर चलो। इसमें आपको शुरू करना है टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट, विंस्टॉल आपको टैबलेट फॉर्म में लेना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों। मैस्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ट्रेनबोलोन एसीटेट लेना पड़ेगा। आप मैस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट और ट्रेनबोलोन एसीटेट एवरी अदर डे आपको लेना पड़ेगा। तीन इंजेक्शन हो गया फ्रेंड, एवरी अदर डे तीन इंजेक्शन लो। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो दो, आप एक सीरीज में मैस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट ले सकते हो या कोई भी, या आप एक दिन टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट या और उसके साथ ट्रेनबोलोन लो और दूसरे दिन आप मैस्ट्रॉन ले सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, या तीनों एवरी अदर डे लेकर चल सकते हो। और बहुत ज़्यादा इंजेक्शन हो जाता है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्टैनाजोलोल टैबलेट के फॉर्म में आपको लेना है। मैं हमेशा टैबलेट के फॉर्म में लेता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इंजेक्शन लेना सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, वर्कआउट में बहुत प्रॉब्लम होता है। स्टिल तीन इंजेक्शन है, ऑलरेडी पेन हो रहा है, तो मैं बोलूँगा आप स्टैनाजोलोल टैबलेट 40 mg रोज़ लो स्प्लिट डोज में, और क्लिनमेट्रोल ऐड करो। क्लिनमेट्रोल आप दो टैब से स्टार्ट करो, 45 mg का एक आप ब्रेकफास्ट के बाद लो, दूसरा वर्कआउट से पहले, और इफेक्ट नहीं हो रहा है तो तीन टैप कर दो। दिस इज़ ऑल ट्रायल एंड एरर मेथड। इस तरह जब आपका साइकिल हो रहा है, लास्ट के आप 10 दिन गुजर गए, 15 दिन बाकी है, देन मेन गेम शुरू होता है। आप लेट्रोजोल आप ऐड कर दो 2.5 mg, आप डेली लो, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है लेकिन आपको लेना पड़ता है, ताकि जो आप टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट ले रहे हो वो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन में कन्वर्ट ना हो और आपका बॉडी पफी ना लगे। इस वक्त आप लेट्रोजोल और उसके साथ 20 mg नॉलवाडेक्स ऐड करना, ताकि एस्ट्रोजन टोटली ब्लॉक हो जाए। बहुत सारे लोग टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट को लास्ट के 10 दिन या एक हफ्ते पहले बंद कर देते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लोग इसलिए करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। बट मेरा मानना है कि जब आप लेट्रोजोल, द मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोजन ब्लॉकिंग ड्रग, जब आप ले रहे हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ड्राई होगे। और मैं टेस्टोस्टेरोन को इसलिए बंद करने नहीं बोल रहा है क्योंकि ये बेस है, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट को लेकर चलना है, और ये ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होता है, ये किसी भी साइकिल में एडजस्ट हो जाता है और कटिंग में ये आइडियल माना जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट को मैं लास्ट तक कंटिन्यू करता हूँ और इसको स्टॉप करने में नहीं बोलता हूँ। सो आपको समझ में आया, 15 दिन जब बाकी रह गया तो आपको वहाँ पर लेट्रोजोल और नॉलवाडेक्स 20 mg डेली ऐड कर देना पड़ेगा, बाकी सब कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है, वो चलता ही आ रहा है। जब लास्ट के 10 दिन बाकी है, वहाँ पर आपको मैस्ट्रॉन को डेली लेना पड़ेगा, आज 10 mg लिए कल, जब लास्ट का 10 दिन बाकी है तो वहाँ पर आपको मेटफॉर्मिन 1000 mg ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपका मसल लॉस नहीं हो। ये मेटफॉर्मिन लेना कब है, जब आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट वाला मील लेते हो वर्कआउट से पहले, वहाँ पे आप 500 mg लो, और रात को जो डिनर करते हो उसके बाद आप मेटफॉर्मिन लो। ये बहुत लंबा टॉपिक है मेटफॉर्मिन का, फ्रेंड्स मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अगर मेटफॉर्मिन लेते हो तो आपका मसल लॉस नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड जब आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर डाइट करते हो तो उस वक्त मसल लॉस का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, और बॉडी बिल्डर्स
बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं जब डाइट करते हैं तो मसल जो उन्होंने बल्किंग में इतने मेहनत से बनाया है वो लॉस होता है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब फीलिंग आता है। दैट्स वाई मेटफॉर्मिन इज़ एडेड, मैंने ऐड किया था इस बार। आई फील कि मैंने पिछले बार से ज़्यादा कम मसल लॉस। फ्रेंड्स, जब आपका फ़ोटोशूट या कॉम्पिटिशन या कोई भी डीड है उसका 5 दिन बाकी है, तो वहाँ पर आप T4 या T3 50 से 100 mcg आप ऐड कर सकते हो। यहाँ थोड़ा रिस्की होता है फ्रेंड्स, T3 अगर आप ज़्यादा लेते हो तो मसल लॉस हो जाता है इवन यू आर ऑन एनाबॉलिक, बट इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। आप लास्ट 5 दिन मैंने ऐड किया था जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि बहुत ज़्यादा पतला दिखाना है स्किन को, तो उस वक्त मैंने डिनर के बाद 50 mcg ऐड किया था। लास्ट टाइम मैंने जो फोटोशूट किया था उसमें 100 या 150 mcg किया था, तो मसल लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मैं 5 दिन पहले सिर्फ T4 को सजेस्ट करता हूँ, T3 बहुत ज़्यादा हार्श है। T4 आप लो डिनर के बाद, 50 mcg रखो, क्योंकि ये मसल लॉस भी कर सकता है। बाकी जो सारा ड्रग है जैसे मैंने बताया आपको, उसका कुछ चेंजिंग नहीं होगा, वो चलता ही आ रहा है। सो लास्ट के 5 दिन पहले और फोटोशूट से पहले डिहाइड्रेशन, वो सब अलग टॉपिक आ गया है फ्रेंड्स, और नहाना नहीं पड़ता वो सब भी अलग टॉपिक आ गया, उसको मैं मान के चलता हूँ। फ्रेंड्स, जब आप लास्ट के 25 दिन में इतने ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो अपने बॉडी को, तो डाइजेस्टिव एंजाइम लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो डाइजेस्ट हो सके। लीवर किडनी सपोर्ट जो मैंने मेडिसिन बताया है वो आप लो, और PGCL बहुत सारे एडवांस बॉडी बिल्डर लास्ट के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ऐड करते हैं ताकि एक्सट्रीम फैट लॉस हो सके, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो जो इंटरमीडिएट है वो ना ले, जो मैंने बताया इतना बहुत है। और बहुत सारे लोग जो HGH एफोर्ड कर सकते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो, ताकि आपका नींद अच्छा हो, आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, फैट लॉस हो, मसल लॉस ना हो, मसल गेन हो, तो आप HGH भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। सो ये था फ्रेंड्स, आप 25 दिन में कटिंग जो साइकिल है उसको किस तरह डिज़ाइन करते हो। अगर बोलोगे तो WhatsApp में मुझे मैसेज करना, मेरे पास PDF है, मैं दे दूंगा। यहाँ पे बहुत सारा मेडिसिन मैंने बताया और दिखा भी नहीं सकता, अगर चाहता तो दिखा देता, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है YouTube में, मैं खुल के कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन आप जिस तरह मैंने बोला है लाइन बाय लाइन मेडिसिन में, उसमें कुछ तरह चेंजिंग नहीं होगा, जो मैंने बोला है एकदम आप करके देखो, 25 डेज में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगा आपके बॉडी में, बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट लगोगे। लेकिन डिपेंड आपने बल्किंग किस तरह किया है, बहुत सारे लोग बल्किंग को अवॉइड करते हैं। बल्किंग में मैं सोचता नहीं हूँ, मेरा फेस मून फेस लगता है, लेकिन आई डोंट केयर बिकॉज आई नो वहाँ पे जो मैं मसल मास गेन कर रहा हूँ उसको यहाँ पर लाके मैं कट डाउन करूँगा, तो मेरा मसल मास उभर कर आएगा और ज़्यादा लगूंगा, और नेक्स्ट जो पिछला फ़ोटोशूट किया है उससे मेरा मसल ज़्यादा लगेगा। तो आई डोंट केयर कि आप ख़राब लगते हो बल्किंग में, आपका फेस फूल जाता है, बॉडी ब्लोटेड हो जाता है, वो बॉडी बिल्डिंग का पार्ट है फ्रेंड। फर्स्ट बल्क अप देन कट डाउन, क्योंकि बल्किंग के बिना आप उस कंडीशनिंग तक पहुंच नहीं पाओगे, एंड इट विल बी अ वाइल्ड गूस चेस।